भारत के पश्चिमी भाग में इस वर्ष आया मानसून पश्चिम रेलवे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। गुजरात राज्य में अतिवृष्टि तथा मुंबई में मानसून की विकट परिस्थितियों ने पश्चिम रेलवे की गति को कुछ समय के लिए तो जरूर थामा, परंतु पश्चिम रेलवे ने बेहतर आपदा प्रबंधन के जरिए कम से कम समय में रेल के पहियों को फिर से चलायमान बना दिया। वसई रोड विरार स्टेशनों के बीच लगातार भारी बारिश के कारण जल का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंचने से सभी चार लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया गया, जिसके फलस्वरूप मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस नालासोपारा स्टेशन पर तथा वडोदरा एक्सप्रेस नालासोपारा और विरार के मध्य एहतियातन रोक दी गई। महाप्रबंधक श्री ए.के. गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए कंट्रोल रूम में अपनी पोजीशन ली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिस्थितियों का मुआयना किया। रेलवे द्वारा बीएमसी, सेना, बेस्ट इत्यादि में कार्यरत सभी आपदा प्रबंधन टीमों से संपर्क साधा गया तथा इन सभी एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से वडोदरा एक्सप्रेस में फंसे हुए लगभग 1000 यात्रियों को निकाला गया। विभिन्न स्टेशनों पर रुकी ट्रेनों के यात्रियों की राहत के लिए तुरंत विभिन्न प्रबंध किए गए। पश्चिम रेलवे ने विषम परिस्थितियों में चर्चगेट से भाईंदर तथा विरार से दहानु रोड के बीच अपनी सेवाएं चालू रखी। यह उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई 2018 को कुल 1075 सेवाएं चली, जो निर्धारित परिचालित होने वाली सेवाओं का 80% था। पश्चिम रेलवे द्वारा चर्चगेट विरार खंड के सभी चार ट्रैकों पर उसी दिन दोपहर तक यातायात सामान्य कर दिया गया। आइए अब रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण राज्य गुजरात की ओर, जहां इंद्र देवता कुछ इस तरह मेहरबान रहे कि कई क्षेत्रों में कई सालों के मुकाबले रिकॉर्ड भारी बारिश हुई। एक तरफ जहां भावनगर मंडल में जल भराव के कारण ट्रेन संख्या 52950 को गिर गधाड़ा और गिर हरमदिया स्टेशनों के बीच ही रोकना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर राजकोट मंडल के कानालू स्टेशन के ट्रैक को भारी वर्षा से काफी क्षति पहुंची तथा कुछ समय के लिए सभी लाइनों पर रेल यातायात रुक गया। मंडल रेल प्रबंधक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने तुरंत मंडल रेल प्रबंधक से स्थिति की जानकारी ली तथा आपदा प्रबंधन कक्ष में उच्चाधिकारियों के साथ रेस्टोरेशन के कार्य की गहन मॉनिटरिंग के लिए कमांड संभाल ली। ट्रेन में फंसे यात्रियों को सकुशल गिर गधाड़ा स्टेशन पहुँचाया गया। वहीं कानालू स्टेशन पर अन्य मंडलों से भी वैगन के जरिए सामग्री मंगाई गई। 16 बसों के माध्यम से सौराष्ट्र एक्सप्रेस, सौराष्ट्र मेल आदि ट्रेनों में फंसे 993 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। युद्ध स्तर पर चले कार्य के फलस्वरूप 19 जुलाई 2018 को स्टेशन की सभी चार लाइनें पुनः बहाल हो गयी। साथ ही एरियल सर्वे के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गयी तथा ट्रैक पर बह रहे पानी के पैटर्न को पहचाना गया ताकि भविष्य में आवश्यक कदम उठाए जा सके। इन सभी परिस्थितियों में यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। पश्चिम रेलवे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कुशल प्रबंधन, रेल कर्मियों के कठिन परिश्रम और विभिन्न एजेंसियों में परस्पर समन्वय के माध्यम से किसी भी आपदा परिस्थिति में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए दृढ़ संकल्प है।